अब श्री राम का नारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो हमारे राम का नाम लेके इस तरह कुकृत नहीं होने चाहिए। हम तो उस लगा कि कुछ भी कर दे। भैया वो कुछ भी करे मुझसे क्या, हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है, आप कुछ भी करिए। कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारे राम का बदनाम नहीं किया जानती। अगर हमारे राम का नाम ले रहे हैं तो अच्छे चीज नाम लेना चाहिए, देखने के लिए खड़े हो अपराधियों को देखने के लिए। हाँ अपराधियों को देखने के लिए, अब मीडिया इतना ज्यादा वो कर रही है तो आदमी देखेगा ही। अच्छा, और इलाहाबाद में वैसे भी थोड़ा सा कुछ होता है तो आदमी देखता है। भाई जिसने जय श्री राम का नारा लगा दिया हो तो उसको देखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब श्री राम का नारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो बहुत सारी भीड़ नजर है, तो अब बताओ भाई यहाँ क्या नाम है आपका? मृदुल अग्रहरी नाम है मेरा। मृदुल अग्रहरी जी। तो क्या जय श्री राम का नारा लगा दिया तुमने? अब हत्या के दौरान उस बंदे ने जय श्री राम का नारा लगाया, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैंने कहा लाओ देखते हैं कौन बंदा है जिसने ऐसा काम किया हो, बस देखने चला आया। गलत किया? अब ये तो कोर्ट तय करेगी, ये कोर्ट का मसला है कि उसने गलत किया कि सही किया। देखिए अतीक क्या करते थे ये भी मुझे नहीं पता, वो क्या करता ये भी मुझे नहीं पता। अब जो जय श्री राम के नारे से आप क्या जोड़ रहे हैं? जय श्री राम, देखिए जो मैंने सुना मैं उस पर बात करूंगा, जो मैंने नहीं देखा नहीं सुना उसकी तो बात नहीं कर सकता। आप इतना उत्साहित हो बता रहे थे जय श्री राम का नारा लगा हमारे लिए बड़ी बड़ी हमारे लिए। अच्छा एक बताइए, सनातन धर्म में कोई पुण्य का काम किया उसने? नहीं, अगर जय श्री राम का नारा लिया तो उसने कौन सा गलत किया ये आप बताइए। जय श्री राम का नारा लिया, गलत क्या किया वो दिख रहा है ना, गोली चला रहा है तो गलत है ना। या तो जय श्री राम का नारा तो सही है, हमने तो नारा की बात बात कर रहा हूँ ना, मुझे ये नहीं पता कि गोली चला रहा है क्या कर रहा है, इससे क्या मुझे मतलब है। हम तो उस लगा कि कुछ भी कर दें। भैया वो कुछ भी करे मुझसे क्या, हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है, आप कुछ भी करिए। कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते, सबके नियम कानून है। नहीं भैया हमारा तो ये मानना ये है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपने इस भारत में और कुछ भी कर सकता है। आपको क्या लग रहा है ठीक हुआ ये कोर्ट बताएगी, ये कोर्ट बताएगी ये करते हैं। मैं तो बेरोजगार हूँ भाई, हाँ अगर नौकरी हो आपके पास हमें दे दीजिए। बिल्कुल भाई नौकरी हो दे दीजिए। महीन आदमी लग रहा है यार भाई। बिल्कुल बचपन से महीने यही कचेरी के रहने वाले हैं, बस बसिंदे यहाँ के हम। बिल्कुल अतीक अहमद की पेशी पहले भी कचहरी में होती थी, देखे पहले? नहीं भाई कभी नहीं देखा उसे फेस टू फेस, आज तक मैंने नहीं देखा। ये हुआ कहीं ऐसा ना हो कोई मामला हो जाए, नुकसान हो जाए चोट में, कोई क्या मतलब है। अच्छा ऐसी चोट में नुकसान, अरे कोई बात हो जाए। देखिए अभी यही हुआ SRN में जो हुआ, मतलब जो हमने सुना या जो वीडियो पे देखा तो उस पे बता रहा हूँ। ये क्या नारा लगा देना इस कृत्य को जस्टिफाई कर देता है क्या? भाई जस्टिफाई क्या करेगा ये जज बताएगा, जस्टिस बताएगा भैया, इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं जो देख के जो सुन के आया हूँ वही देखना चाहता हूँ, बगल का लोकल हूँ तो मैंने कहा लो देख लेते हैं। आपका क्या नाम है? शरद शर्मा नाम है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। लॉ पढ़ते हैं? जी सर। क्या कहता है लॉ इसमें? सही में लॉ ये कहता है कि जो कृत इन्होंने किया है वो कृत बिल्कुल से जस्टिफाई नहीं किया सकता, ये लॉ के अगेंस्ट है और ये लॉ के पर्सनल पब्लिक लिबर्टी के भी अगेंस्ट है। तो हमारे राम का नाम लेके इस तरह कुकृत नहीं होने चाहिए, हमारे राम का बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमारे राम का नाम ले रहे हैं तो अच्छे चीज़ नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेके, हमारे भगवान का नाम लेकर अगर आप कुछ गलत काम करेंगे, महात्मा गांधी तो हैं नहीं, अपराधी तो अपराधी हैं। अगर राम का नाम लेकर ऐसा काम करें तो मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। राम का नाम मैं भी लेता हूँ लेकिन इस तरह के कार्यों के लिए मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। मैं एक में ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कल जो इंसिडेंट हुई उसमें हमारी पुलिस फोर्सेज लगी हुई थी, हमने मैं उनका भी फेल्योर मानता हूं ताकि उन्हें जो लीगल राइट मिली हुई है उन्हें पूरी तरह से लीगल राइट का इस्तेमाल नहीं किया उनको बचाने के लिए। मैं अतीक अहमद का फेवर नहीं ले रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी जो कानून कहती है, हमारी न्यायपालिका जो कहती है, जो हमारी जस्टिस कहती है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि हमारा ये तरीका नहीं है। हाँ बाकी जहाँ तक समर्थन और विरोध का बात है तो, और जहाँ तक सत्य और सही छड़ने का बात है वो तो माननीय न्यायालय डिसाइड करेगी। मतलब सबसे बड़ी बात ये है भैया कि कुल मिला के मतलब एक सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार से कि क्या हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं इस हालत में कि इतने बड़े बड़े लोग को खुलेआम शूटिंग की जा रही है, मार दिया जा रहा है, उनका मर्डर हो जा रहा है, हम लोग कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं अपने आप को? बैक टू बैक दो इंसिडेंट हो गए गोली। सरकार से हम बहुत सहमत हैं कि हाँ उनके न्यायिक प्रणाली पे हम लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है इस पे बहुत बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो कैसे काम कर रही है। कि अभी बीते कुछ दिनों पहले दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है, फिर बीते दिनों में इतनी बड़ी हत्या हो रही है एक इतनी बड़े अपराधी की,